नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले उनकी टीम रिलीज कर सकती है। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आईपीएल 2020 के ऑक्शन में वो रिलीज़ होने के बाद उन्हें कोई भी खरीदार ना मिले। तो दोस्तों, कौन से होंगे वो खिलाड़ी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आईपीएल के 12वें सीजन को समाप्त हुए कई महीनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन फ्रेंचाइजियों ने अगले सीजन के लिए तैयारी करना चालू कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 से पहले ट्रेड किया। अब देखना ये होगा कि और कौन सी टीम होगी जो इस सीजन से पहले ट्रेड के जरिए प्लेयर्स एक्सचेंज करती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन चार खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें अगले सीजन कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा, यानी वो यदि अपनी टीम से रिलीज़ होते हैं तो आईपीएल 2020 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कॉलिन मुनरो का। दोस्तों, कॉलिन मुनरो एक खतरनाक T20 खिलाड़ी हैं। उनके पास 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय T20 के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा दूसरे सबसे अधिक हैं। उन्होंने दुनिया भर की अन्य T20 लीगों में भी सफलता पाई है। हालांकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ने IPL में बिल्कुल भी रन नहीं बनाए। वो अब तक IPL में 3 सीजन में हिस्सा रहे हैं, एक सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के लिए और 2 सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उन्होंने इन 3 सत्रों में कुल 13 मैच खेले और 14.75 के खराब औसत से 177 रन बनाए। इसके अलावा 125.33 का उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा मुनरो ने इस टूर्नामेंट में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। 2019 में उन्होंने 4 पारियों में सिर्फ 84 रन बनाए और इसलिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें रिलीज कर सकती है। और अगर दिल्ली उनको रिलीज कर दी तो वो IPL 2020 में फिर से ऑक्शन में जाने के बाद अनसोल्ड भी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा नाम है कॉलिन डी ग्रैंडहोम का। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्ले के साथ बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन IPL में हमेशा से ही इनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है। डी ग्रैंडहोम अब तक 3 सीजन से IPL खेल रहे हैं। 2017 में वह कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे और अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB द्वारा चुना गया था और वहाँ भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की। इसके बाद 2019 में उन्होंने 4 मैच खेला जिसमें सिर्फ 46 रन बनाए और एक विकेट भी नहीं लिया। दोस्तों, कॉलिन डी ग्रैंडहोम के अलावा RCB की टीम में मार्कस स्टोइनिस, मोइन अली, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और गुरकिरत सिंह मान जैसे अच्छे खिलाड़ी पहले से ही मौजूद हैं, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। ऐसे में दोस्तों, डी ग्रैंडहोम टीम में फिट नहीं बैठ पाते, इसलिए RCB की टीम इन्हें भी रिलीज़ कर सकती है। दोस्तों, कॉलिन डी ग्रैंडहोम IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 2020 के ऑक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि सभी टीमें इन्हें इग्नोर कर दें। इसके बाद दोस्तों, तीसरा नाम है रॉबिन उथप्पा का। रॉबिन उथप्पा पिछले 6 सालों में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के लिए खेल रहे हैं। कर्नाटक का ये बल्लेबाज कोलकाता फ्रेंचाइजी के दिल में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें आगामी सत्र में रिलीज कर दिया जाएगा। KKR के साथ अपने करियर में पहली बार उथप्पा ने एक सीजन में 350 से कम रन बनाए। पिछले 2 सीजन उथप्पा के लिए अच्छा नहीं रहे हैं। उन्होंने 2018 में 351 रन बनाए, जबकि वह इस साल सिर्फ 282 रन ही बना सके, जो कि 2011 के बाद से IPL सीजन में उनके लिए सबसे कम रन है। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अगर KKR ने उथप्पा को रिलीज कर दिया तो हो सकता है कि उन्हें अगले सीजन यानी IPL 2020 के ऑक्शन में कोई भी खरीदार ना मिले। इसके बाद चौथा और आखिरी नाम है टिम साउदी का। दोस्तों, टिम साउदी न्यूजीलैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। हालांकि वह अब तक खेले गए IPL में किसी भी टीम के नियमित सदस्य नहीं रहे हैं। उन्होंने अब तक 4 IPL टीमों के लिए खेला है और अभी तक उन्होंने एक भी सीजन में पूरे मैचेस नहीं खेले हैं। साउदी पिछले कुछ सालों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सेटअप का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 सत्रों में 11 मैच खेले हैं और केवल 11 विकेट लिए हैं। इसके अलावा साउदी बहुत महंगे साबित हुए हैं। 2019 में उनके स्टैट्स बेहद खराब रहे। उन्होंने 3 मैचों में 1 विकेट लिए, वो भी 13.11 की इकोनॉमी रेट से। इसके अलावा न्यूजीलैंड के लिए उनका मौजूदा फॉर्म भी अच्छा नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से उन कुछ खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें RCB की टीम रिलीज कर सकती है। और अगर दोस्तों साउदी रिलीज होकर फिर से ऑक्शन में जाते हैं तो हो सकता है उन्हें भी कोई खरीदार ना मिले। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिसाब से 4 ऐसे खिलाड़ी जो अपनी टीम से रिलीज होकर अनसोल्ड हो सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।